आज हम जो क्लास है उसमें पिछले क्लास के मदद से आगे आते हुए क्या देखते हैं उसको हम यहाँ पर एग्रीगेट करना चाह रहे हैं, एक साथ जो है ना जोड़ना चाह रहे हैं, कोइलेट करना चाह रहे हैं। हमको आज पढ़ना है टीशू। टीशू क्या है इसको समझने के पहले पीछे का जो स्टडी हम जानते हैं, पढ़ाई जानते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सबसे बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एटम से शुरू होता है। किसी भी आपका यहाँ पर जो भी स्थिति है जीवों का या पदार्थों का, उन सारे पदार्थों का सबसे छोटा अगर बात करें हम तो वो आपका हो जाएगा कौन, एटम, या मटेरियल का भी बात कर सकते हैं। सबसे छोटा यूनिट कौन है यहाँ पर, एटम। ये केमिस्ट्री में हमको देखना है इसके बारे में। और एटम किसका बना होता है, जब वो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है यहाँ के मैटर का, तो खुद किसका बना होता है वो मुख्य रूप से। ऐसे तो कई उसमें आपके माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन तीन पार्टिकल्स उसके बेसिक पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। सारे के सारे जो भी आपके एटम्स होंगे वो इन्हीं तीनों के मिलने से बने हैं। चाहे लकड़ियों का एलिमेंट हो या एटम हो, लकड़ी वुड का हो एटम, या फिर शीशा का हो, या फिर पारा का हो, मरकरी का, या फिर लोहा का हो, आपके बॉडी का हो, किसी का भी एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट है मटेरियल का या मैटर का, और उस मैटर में एलिमेंट का, वो आपका सबसे बेसिक यूनिट है। अब उसका वो भी सबका सब बना होता है एलिमेंट्री पार्टिकल किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। हमारा इलेक्ट्रॉन किसी सोने सोना जो है उसका एटम का जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या लोहा का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो सबके सब सेम है। यहाँ पर जितने इस संसार में जितने मैटर हैं सब के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, उनका जो वेट होता है वो सेम होता है, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो सेम होती है, और वो आपस में जुड़कर एटम बनाते हैं। एटम से जो है ना अलग अलग बात शुरू हो जाता है। ये किसका एटम है, सोना का, ये किसका एटम है, लोहा का, ये किसका एटम है, प्लास्टिक, सबका एटम जो है यहाँ से एटम्स के से हम लोग अलग होना शुरू हो जाते हैं। कई एटम्स आपस में मिलकर एक साथ काम जब करते हैं तब मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है, कार्बन के कुछ और गुण होता है, ऑक्सीजन का कुछ और गुण होता है, दोनों एक साथ मिलकर CO2 बनाते हैं, मतलब एक जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। H2O, हाइड्रोजन का कुछ और कैरेक्टर है, ऑक्सीजन का कुछ और कैरेक्टर है, लेकिन दोनों एक साथ जुड़कर एक एक जैसा काम करना शुरू कर देता है, और वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कंपाउंड का निर्माण करता है, जैसे CO2। CO2 एक गैस है, H2O समानता ये फ्लूइड रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अपने कैरेक्टर को छोड़ देते हैं और नया कैरेक्टर बनाते हैं, नया अग्नि नया रचना बनाते हैं, और उस नई रचना को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आप याद करो, CO2 था, CO2 था, ये गैस है, ये मिल गया लिक्विड के साथ H2O के साथ, तो बन गया C6H12O6। इसका टेस्ट कैसा होता है, ये टेस्टलेस है, ये भी टेस्टलेस है, लेकिन इसको देखो टच करके या खाके तो ये मीठा लगेगा। तो अब ये दोनों आप मिलकर आपस में एक जैसा काम करना शुरू कर दिया, और ये बना दिया ग्लूकोज, जो कि कंपाउंड हो गया, कंपाउंड को बना दिया, और इसमें देखिए दोनों के दोनों का कैरेक्टर खत्म हो गया। यहाँ पर नया कैरेक्टर आ गया, टेस्ट बदल गया, टेस्ट आ जाता है वहां पर, मीठा है, खट्टा है, क्या है, ये बता सकते हैं हम। और तो और ये जो है फूड का काम करना शुरू कर दिया। अब देखो, जो इसके बाद कंपाउंड से हम आगे बढ़ते हैं,
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ढेर सारे ये जो है ना ये आपस में जुड़ जाते हैं एंड, तब बनता है क्या आपका सेलुलोस बनता है, तब बनता है स्टार्च बनता है, तब बनता है ग्लाइकोजन बनता है, ऐसे बनता है इटीसी। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहां कंपाउंड का बात कर रहे थे, और कंपाउंड कई मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक जैसा काम करना शुरू करते तो कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड जो है ना फिर कई कंपाउंड्स एक साथ मिलकर नया कैरेक्टर कुछ अचीव करते हैं, अलग करते हैं, तो उसको सेलुलोस बोलते हैं। देखिए सेलुलोस भी बना हुआ है किसका, इस स्टार्च का, सॉरी किसका, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कह सकते हैं। और इस ग्लूकोज का ये बना हुआ है आपका कौन, सेलुलोस भी, लेकिन उसका कैरेक्टर, और स्टार्च भी बना हुआ है उसी ग्लूकोज का, उसका कैरेक्टर, और ग्लाइकोजन भी बना हुआ है उसी कंपाउंड का, उसका कैरेक्टर अलग हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टर में जो चेंज हो रहे हैं वो आपका इसमें आपका सजावट के आधार पर हो रहा है। इसका जो है ना सजावट, इसका एसोसिएशन थोड़ा सा अगर बदल जाएगा तो कैरेक्टर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसका बदल जाएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और प्रोटोप्लाज्म से लाइफ का शुरुआत हो जाता है। अगर रियली में कहा जाए तो लाइफ जो है ना यहीं से आता है, इसी में मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटोप्लाज्म में, और मेटाबॉलिज्म के कारण हम लोगों का लाइफ है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसी में एक घटना घटता है मेटाबॉलिज्म, और इसी मेटाबॉलिज्म के कारण हम लोग में लाइफ है, और किसी में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हुए भी उसमें लाइफ नहीं है। अब आइए इससे आगे बढ़ते, सेल जो है वो आपका सबसे छोटा यूनिट हो जाता है लाइफ का, जीवन का। अगर किसी में जीवन का बात हम करें तो सेल तो कम से कम बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म का बात करेंगे, और प्रोटोप्लाज्म जिस स्ट्रक्चर में रहता है उस स्ट्रक्चर का नाम है सेल, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। कैसे भैया, तो यहां पर प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, कई एक्टिविटीज होते हैं, और उन एक्टिविटीज के कारण ही क्या होता है, लाइफ होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म में एक्टिविटीज ना हो तो लाइफ का बात हम नहीं कर सकते, लाइफ का बात हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ एक जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल उनमें ऑर्गेनिज्म जैसा काम करना शुरू कर देता है, अपने पूरे के पूरे घटनाओं को जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, लाइफ प्रोसेस मतलब वैसी एक्टिविटी जो जीवन को बचाए रखने के लिए आवश्यक होती है वो सब करना शुरू कर देते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे रिस्पायरेशन, जैसे इजेशन, एक्सक्रीशन, वो सारा का सारा प्रोसेस शुरू कर लेते हैं, और उनको अब कहने लगते हैं ऑर्गेनिज्म। लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब कई सेल्स जो है ना एक साथ मिलकर एक जैसा काम करना शुरू करते हैं, एक फंक्शन को करना शुरू करते हैं, तब उसको कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू जो है ना आपको यहां पर अभी हम लोग को पढ़ना भी है टिश्यू, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई भी पूछे कि टिश्यू से क्या समझते हो तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको इतना तो आप बता ही सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं। हाँ, कैरेक्टर क्या होगा वो हम अभी बात करते हैं, लेकिन इतना तो आप कह ही सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू बनाता है। कोई अगर आपसे पूछे कंपाउंड से आप क्या समझ सकते हो तो बता सकते हो कि कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर आपस में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, कई कंपाउंड आपस में मिलकर आपस में जुड़कर एसोसिएशन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और इसी तरह से कई सेल्स आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं और क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। वो एसोसिएशन को, समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जिस प्रकार से एक दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है,
बारह है ना, तो बारह जो है ना कोई भी हो सकता है, केला हो सकता है, ओ सेब हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, जो एक साथ है, एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ है, एक एग्रीगेशन में है, एक समूह में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तर्ज बोल रहे हैं। यहां भी यही बोल रहे हैं हम, सेल, कई सेल्स आपस में जुड़कर एक साथ एक एसोसिएशन बनाकर एक जैसा काम करते तो उसको टिशू बोलते हैं, और कई टिशू आपस में मिलकर एक जैसा काम करते तो क्या कहलाते, ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे किडनी है, जैसे हर्ट है, तो हर्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसमें केवल एक ही प्रकार के सेल नहीं होंगे, कई प्रकार के सेल होंगे, और सारे के सारे सेल जो है ना केवल एक ही टिश्यू नहीं बनाए होंगे, अलग अलग टिश्यू बनाए होंगे, कोई ब्लड का सप्लाई कर रहा होगा, कोई जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, खबर को ला रहा होगा, ले जा रहा होगा, तो कई अलग अलग प्रकार के सेल्स आपस में मिलकर वहां पर कई टिश्यू बनाए होंगे, और कई टिश्यू फिंगर की तरह आपस में मिलकर एक ऑर्गेन जैसा काम कर रहे होंगे, मुट्ठी बन गया होगा, और इसी को हम वहां पर क्या बोल रहे थे, आपका हर्ट बोल रहे थे, या लीवर बोल रहे थे, या जो भी ऑर्गेन है उसको बोलना है। तो आपका हर्ट क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया जिसमें कई टिश्यू है, कई प्रकार के सेल और कई प्रकार के टिश्यू है। अब कई ऑर्गेन जो है ना आपस में मिलकर एक साथ काम करके ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे हर्ट, ब्लड वेसल्स है ना, हर्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये आपस में मिल जाते हैं, और आपका काम क्या हो जाता है, ऑर्गेन सिस्टम का, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सबका अलग अलग फंक्शन हो जाता है, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेन्स जो देखने में अलग अलग हो सकते हैं, काम करने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट अंततः उनका जो पूरा का पूरा जो काम का जो जोड़ होता है वो एक ही होता है, और इसीलिए एक सिस्टम कहलाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन हैं, कई ग्लैंड्स हैं, हाँ गट है, लेकिन सब के सब मिलकर आपस में एक ही काम करते हैं, और उनका उनका जो आपका सबका मिला जुला जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, डाइजेशन आता है, न्यूट्रिशन आता है। इसी प्रकार से कई ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है। अब आपके मन में आएगा कि प्लांट का टिश्यू या एनिमल का टिश्यू या किसी और ऑर्गेनिज्म का टिश्यू क्या सब एक प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम इतना पढ़ने के बाद टिश्यू का बात करते हैं, टिश्यू कहते किसको है, तो जिस बात को हम लोगों ने इसमें देखा उसी बात को हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं कि कई सेल्स मिलकर एक काम करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, तब उसको बोलते थे टिश्यू। तो फंक्शन एकदम कॉमन होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू तो वहां पर देखेंगे कि कई टिश्यू ऐसे हैं जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, कई आपके जो है ना एनिमल टिश्यू ऐसे हैं जिसमें कई सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, लेकिन फंक्शन सिमिलर है, कॉमन है। तो कॉमन फंक्शन ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन फंक्शन, उसको हम टिश्यू बोलेंगे। अब टिश्यू जो है ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते, एक प्लांट में है तो प्लांट टिश्यू, टू टाइप्स, पहला है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, और दूसरा है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, मल्टी टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का बात करें तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर नहीं बल्कि काफी अंतर है। क्यों अंतर है, डिफरेंस क्यों है, अब उनके काम पर है। जैसे प्लांट, प्लांट जो है उसके मोस्ट ऑफ बॉडी के मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं। अब जरा सोचो, हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ द सेल्स अगर डेड होंगे तो
हमारे उनको उनको बनाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी कि हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स अगर जिंदा होंगे, लिविंग होंगे, तब एनर्जी ज्यादा चाहिए। जैसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, किसी घर में, ये हमारा घर है, बॉडी क्या है, घर मान लो, हाँ, ऑर्गेनिज्म मान लो। अब इसमें ढेर सारा जो है ना गाड़ी है, सारी की सारी गाड़ियां अगर काम करे, चालू रहे, हाँ चालू रहे मतलब जिंदा है, तो सारी की सारी गाड़ियां अगर चालू हैं तब तेल ज्यादा लगेगा कि जब गाड़ियां बंद रहेंगी अधिकांश तब तेल ज्यादा रहेगा। तो आप बोलोगे कि गाड़ियां अगर ज्यादा चलेंगी, मतलब ज्यादा चालू रहेंगी, ज्यादा तेज मतलब ज्यादा सक्रिय रहेंगी तो तेल ज्यादा लगेगा। और इसीलिए तो अभी लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना के कारण, तो गाड़ियां गाड़ियां जो है ना रोड पर कम आ गई, तो तेल कम बिकने लगा और पॉल्यूशन प्रदूषण भी कम हो गया, धुआं कम आने लगा, क्योंकि गाड़ियां कम एक्टिव हो गई। तो जरा सोचो, इनर्जी कम खर्च हो रहा था वहां पर, है ना, ईंधन क्या है, इनर्जी का स्रोत है, तो ईंधन कम खर्च हो रहा था। तो किसमें ईंधन ज्यादा चाहिए, इनर्जी किसमें ज्यादा चाहिए, प्लांट में कि एनिमल में? क्यों भैया? प्लांट में मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं, जबकि एनिमल में मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं। हाँ, अर्थात एनिमल को ज्यादा एनर्जी चाहिए बने रहने के लिए, किसके तुलना में, प्लांट के तुलना में, और इसीलिए दोनों के टिश्यू में भी अंतर हो गया, दोनों की व्यवस्था में भी अंतर हो गई। ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण जितना अच्छा प्लांट में नहीं हो पाया, उससे ज्यादा अच्छा एनिमल में हुआ, क्योंकि उसकी उसकी गतिविधियां ज्यादा तेज थी, उसमें ढेर सारे सेल लिविंग थे, तो उनको ज्यादा चाहिए था, हर चीज ज्यादा चाहिए, और हर चीज ज्यादा चाहिए तो उसमें जो हानिकारक पदार्थ है वो भी ज्यादा बनेंगे, और इसीलिए सिस्टम का व्यवस्था जो है वो प्लांट में कम है और किसमें, एनिमल्स में ऑर्गेन सिस्टम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां ज्यादा होने से उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब हम इन दोनों का बात, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का बात यहां पर करें, तो यहां आपके आपके मन में आ रहा होगा कि प्लांट जो है उसमें गतिविधियां ज्यादा है, तो उसमें जो आपके सेल्स है वो ज्यादा लिविंग है, तो क्या चाहिए, उसको भोजन ज्यादा चाहिए, उसमें गतिविधियां ज्यादा है तो उसमें सिस्टम का निर्माण ज्यादा होगा, वो ज्यादा डेवलप होता जाएगा। तो ये बताइए, और भोजन के हिसाब से क्या दिक्कत है? तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक होता है प्लांट, प्लांट में गतिविधियां कम होने का और भी कारण है। पहला कारण क्या बताए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट जो है वो स्थिर क्यों रहता है, गतिविधियां उसकी कम क्यों रहती है, तो पहला कारण तो ये बताओगे कि उसके मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। एनिमल में गतिविधियां क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं। दूसरा बात क्या है, प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, क्यों गतिविधियां जो है ना प्लांट का आपका ज्यादा होते कम होता है और एनिमल का ज्यादा होता है? उसका रीजन ये है कि भोजन है ना, न्यूट्रिशन, प्लांट जो है अपना फूड स्वयं बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है, जहां पर वो रहता है वहीं पर CO2 को एयर से ले लेता है, वाटर को किससे ले लेता है, सॉयल से ले लेता है, और उसको उसको आपस में जोड़कर खुद का भोजन बना लेता है। लेकिन एनिमल्स जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक है, जबकि प्लांट कैसा था, ऑटोट्रॉपिक था, वो अपना भोजन खुद स्वयं बना लेता है, जहां रहता है वहीं पर, जबकि एनिमल्स को अपने भोजन के लिए जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है, और ये मिलता है उसको कहां से है, प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से, हेटेरोट्रॉपिक है एनिमल्स, इस कारण से उसकी गतिविधियां बढ़ जाती है। ये तो हो गया दूसरा कारण, जिसके कारण प्लांट की गतिविधियां कम होती हैं और एनिमल की गतिविधियां ज्यादा होती है। पहला क्या बताया थे आपको, मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या थे, प्लांट में डेड थे, जबकि एनिमल में मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग थे।
इसके कारण एनर्जी कम चाहिए था, व्यवस्था कम करनी थी। दूसरा क्या था कि प्लांट जो था वो ऑटोट्रॉपिक था और एनिमल्स कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, इस कारण से गतिविधियां ज्यादा होती है। और तीसरा बात अगर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं उनको जो है ना अपने जीवन काल में ग्रोथ जो होता है उनके जीवन काल में कुछ ही समय तक होता है, लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में सारे के सारे जो बॉडी का पार्ट है वो एक साथ ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं था कि एक बार आपका हाथ का विकास होगा तो दूसरे बार नाक का विकास होगा, तीसरे बार सर का विकास होगा तो चौथे बार हृदय का विकास, हर्ट का विकास होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सब का सब जो है ना साइज वगैरह में अगर इंक्रीज होगा बॉडी में तो सब के सब पार्ट्स एक साथ डेवलप करेंगे, एक साथ बड़े होंगे। तो जो ग्रोथ होता है एनिमल्स में वो आपका एक साथ होता है और इसके कारण एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी की मांग बढ़ती है। जबकि प्लांट में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है उसके कुछ ही रीजन में होता है, सामान्यतः एपेक्स पर होता है। और वो जो एपेक्स पर होता है वो एपेक्स कौन है, आपका टिप, चाहे तो तना का वो एपेक्स हो है ना अगला छोर, या फिर रूट का अगला छोर हो, रूट एपेक्स उस पर होता है जहां पर मेस्टमेटिक टिश्यू होता है, मतलब खास रीजन होता है, खास क्षेत्र होता है जहां पर वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। किसमें? प्लांट्स में। और एनिमल्स में जो ग्रोथ या वृद्धि होता है वो पूरे शरीर में एक साथ होता है। इसलिए भी एनर्जी की आवश्यकता एनिमल्स को ज्यादा होती है, गतिविधियां एनिमल्स की ज्यादा होती है, जबकि प्लांट्स की क्या होती है, कम होती है। चौथा जो पॉइंट है वो आपका है कि एनिमल्स जो है और रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनके लिए उनको अपना रिप्रोडक्टिव पार्टनर को ढूंढना पड़ता है, जबकि प्लांट जो होते हैं वो उनमें आपका मेल और फीमेल दोनों के दोनों स्ट्रक्चर या तो एक ही प्लांट में बन जाते हैं या बगल के प्लांट में बन जाते हैं, इसलिए इनको मूव नहीं करना पड़ता है, इनको ढूंढना नहीं पड़ता है। जबकि एनिमल में क्या होता है, अपने रिप्रोडक्टिव पार्टनर को मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जो एक और व्यवस्था पार्टनर चाहिए मेल या फीमेल, उसके लिए इनको मूव करना पड़ता है। और अधिकांश जो होते हैं वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, भोजन को ढूंढने के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो है ना ये आपका एक्टिविटी में अंतर था प्लांट और एनिमल्स का। अब अगर उनके एक्टिविटी में अंतर हो जाएगा तो टिश्यू में भी अंतर हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल से बना है और सेल तक तो चलता, लेकिन टिश्यू क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है और यहां से जो है ना बॉडी का बात, कॉम्प्लेक्सिटी का बात आपका हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों का बेसिक अंतर को आपको बना के दिखाते हैं। देखिए प्लांट टिश्यू जो होता है वो आपका बताया कि अधिकांश जो सेल्स उसके होते हैं डेड होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल वाल होता है। जबकि एनिमल जो टिश्यू होता है उसके अधिकांश जो सेल्स होते हैं लिविंग होते हैं और उनको एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए। दूसरा बात आपको जो है ना अंतर में ये दिमाग में रखना है कि जो प्लांट होते हैं उनका जो टिश्यू होता है, उनका जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो थोड़ा एनिमल के तुलना में कम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट टिश्यू में, जबकि एनिमल का जो टिश्यू होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा होती है। कारण क्या है कि उसके मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। नेक्स्ट बात का अगर हम बात करें तो ये है कि प्लांट जो है उसके जो सेल्स होते हैं उसमें आपका सिर्फ एसोसिएशन, आपसी सेल्स का एसोसिएशन होता है, जो बीच में मैट्रिक्स होता है ना के बराबर होता है या नहीं होता है, जबकि एनिमल टिश्यू में मैट्रिक्स पाया जाता है, वो कुछ नॉन लिविंग पार्ट पाया जाता है सेल्स के बीच में और वो सेल्स के साथ मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको उसका फिगर से दिखाते हैं। प्लांट टिश्यू में आपको बताए थे कि मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, थिक वाल्ड होता है, जबकि
जो एनिमल टिश्यू होता है उसके मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होते हैं और एक्टिव होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं मिडिल लैमेला के द्वारा, अर्थात प्लांट टिश्यू जो होते हैं उसमें सेल्स के साथ मिडिल लैमेला होता है जो उनको आपस में जोड़कर रखता है, जबकि एनिमल जो टिश्यू होता है उसमें सेल्स के बीच में मैट्रिक्स भरा होता है और वो मैट्रिक्स का निर्माण सेल से ही होता है। और यहाँ भी मिडिल लैमेला सेल से ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि मिडिल लैमेला जो है उसका निर्माण सेल से ही होता है, और एनिमल टिश्यू में जो आपका मैट्रिक्स है उसका भी सिक्रीशन होता है, स्राव होता है उसके सेल से। अर्थात यहाँ पर अगर एक सेल वाल होगा प्लांट सेल में तो उसको थिन वाल सेल कहते हैं, जबकि एक से ज्यादा दो या तीन सेल वाल होगा तो उसको थिक वाल कहते हैं। सामान्यतः जो थिन वाल होता है वो लिविंग होता है, और जो सामान्यतः आपका एक दो से अधिक वाल वाले होते हैं सेल वो डेड होते हैं। तो इसलिए हम लिखे हैं कि प्लांट में आपका जो सेल होगा वो डेड होगा या लिविंग होगा। देखा ये जाता है कि कुछ एक टिश्यू को अगर प्लांट टिश्यू को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड ही होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यू जो है उसमें आपका स्किन वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो सेल्स होते हैं वो आपका लिविंग ही होते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का बात कर लिए। अब हम शुरू करते हैं इसमें सबसे पहला प्लांट टिश्यू। ये जो प्लांट टिश्यू था जिसके अधिकांश जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं थिक वाल्ड होते हैं, उसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं या बांटते हैं। एक है मेस्टमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो डिवीजन करते हैं, जबकि जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, नॉन डिविजिबल होते हैं, उनमें दोबारा डिवीजन नहीं होता है, मतलब उनमें डिवीजन नहीं होता है, सेल्स की संख्या नहीं बढ़ती है। हाँ, अगला जो बात आपका है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो आपका अधिकांश काम को पूरा करता है, उसके अधिकांश जो सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव टाइप के होते हैं या फिर डेड टाइप के होते हैं, किसके? परमानेंट टिश्यू के। जबकि मेस्टमेटिक टिश्यू के सेल्स जो थे वो डिविजिबल थे, मतलब कि वो क्या करने वाले थे, वो आपके ग्रोथ करने वाले थे, वो आपके रिस्पॉन्सिबल थे अधिकांश काम के लिए। किन काम के लिए? लिविंग के काम के लिए, मतलब एक्टिव थे। तो मेस्मेटिक टिश्यू के अधिकांश जो सेल्स होते हैं वो आपका लिविंग और एक्टिव होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के अधिकांश सेल्स जो होते हैं इनएक्टिव या फिर डेड हो जाते हैं। ये हेल्प करता है ग्रोथ में प्लांट बॉडी का, कौन? मेस्टमेटिक टिश्यू। जबकि परमानेंट केवल इसका एक ही काम है, किसका? मेस्टमेटिक टिश्यू का। वो क्या है? ग्रोथ, चाहे लंबाई में वृद्धि हो चाहे मोटाई में वृद्धि हो। ग्रोथ यहाँ पर दो तरह का हो सकता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको और डिटेल से कर ले। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ ग्रोथ, और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। अब अगर प्राइमरी ग्रोथ का बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ का बात करें, दोनों में क्या अंतर है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन थिकनेस, इन डायमीटर, मीटर या थिकनेस, थिकनेस।
ठीक है। तो मोटाई उनका बढ़ जाना या थिकनेस बढ़ जाना यहाँ पर वो क्या कहला रहा है, वो आपका डायमीटर में इंक्रीज कहलाता है, पेरिफेरी का बढ़ जाना, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कोई खूब लंबा हो रहा है कोई व्यक्ति, तो बोल सकते हैं आपका प्राइमरी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। कोई मोटा हो गया है, फैल गया है, तो क्या बोलेंगे, आपका सेकेंडरी ग्रोथ बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखना है, ये एनिमल के लिए नहीं कहा जाता है, ये प्लांट के लिए होता है। तो पौधे पहले क्या करते हैं, अपनी लंबाई को बढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा मोटापा उनका, मोटा वो होते जाते हैं, प्लांट जो है ना उनका डायमीटर बढ़ता जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ जो भी ग्रोथ होगा वो किसके कारण होगा, मेस्टमेटिक टिश्यू के कारण होगा। लेकिन बाकी जो भी काम है प्लांट के अंदर, इनके अलावे ग्रोथ को छोड़कर, जैसे भोजन को बनाना, भोजन को इकट्ठा रखना, या भोजन या अन्य पदार्थों को लाना ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, या सिक्रीशन करना, इवन प्रोटेक्शन करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, वो सब के सब काम जो है वो किसके द्वारा होते हैं, परमानेंट टिश्यू के द्वारा होता है। ग्रोथ में ही एक और बात आता है, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में भी शामिल होगा। ग्रोथ के साथ साथ ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ग्रोथ में ही रिप्रोडक्शन भी आता है, विकास करता है। तो जो भी डिवाइडिंग सेल्स होगा और उसके जो समूह होंगे उनको हम मेस्टमेटिक टिश्यू कहेंगे, डिवाइडिंग सेल्स को डिवाइडिंग सेल्स कहेंगे। इसी को मेस्टमेटिक टिश्यू को ही हम एक छोटा फॉर्म में मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो प्लांट के मेस्टमेटिक टिश्यू को ही मेरिस्टेम भी कहते हैं, जबकि वैसे टिश्यू या सेल्स का समूह जिसमें डिवीजन नहीं होता है उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी कम से कम दो भाग में बांटा जा सकता है और मेस्टमेटिक टिश्यू भी कई भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको हम अलग से देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें परमानेंट टिश्यू का टाइप्स अगर चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा इसको हम दो भाग में यहीं पर बांट लेते हैं, इसको परमानेंट टिश्यू को टू टाइप्स। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू टिश्यू, जबकि इस इधर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी, परमानेंट टिश्यू पर नीचे करेंगे क्या, देखो मेस्मेटिक टिश्यू बताए थे कि ये ग्रोथ में मदद करता है, और ये दो तरह का ग्रोथ हो सकता है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इन लेंथ लंबाई का बढ़ना प्लांट बॉडी में, और उसका प्लांट बॉडी का मोटाई बढ़ना, डायमीटर बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ। और एक मेस्मेटिक टिश्यू का एक और ग्रोथ में ये काम है, रिप्रोडक्शन का भी काम वो कर लेगा। अब यहां पर ये सारे के सारे काम को परमानेंट टिश्यू कर रहा था, और परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांटा जा सकता है इसके आधार पर कि उसमें टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे हैं। अगर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं तब तो उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल देंगे, और अगर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं तब उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू हमको पढ़ना है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसमें तीन प्रकार के सेल्स हमको जानना है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये केवल एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते हैं, और ये खुद कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है, जबकि ये आपके अलग अलग प्रकार के सेल्स के बने होते हैं, और इसमें हमको पढ़ना कितना है, दो है, जाइलम और फ्लोएम। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मेस्टमेटिक टिश्यू जो है उसको शुरू करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है।